आज हम एक ऐसे ब्राजीलियन फुटबॉल टैलेंट की स्किल सीखेंगे जो रियल मैड्रिड ओन करती है, नन अदर देन विनीसियस जूनियर, जो अपने डैसलिंग फुटबॉल स्किल्स और टाइटनिंग पेस के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में टॉप 10 विनीसियस जूनियर के फुटबॉल स्किल्स शो करने वाला हूं, सो लेट्स गो। तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, विनीसियस जूनियर प्ले एज अ लेफ्ट विंग फॉरवर्ड, और जब आप लेफ्ट विंग में खेलते हो तो आपको डिफेंडर्स को बीट करना ही पड़ेगा। इस पोजीशन पे अगर आपको डिफेंडर को बीट करना है, सबसे पहले आपको स्टेप ओवर शो करना है इस तरीके से, देन आपको अपने फुट का आउटसाइड एरिया का यूज करना है बॉल को लिटिल बिट पुश करने के लिए, एंड देन इमीडिएटली आपको अपने फुट का इनसाइड एरिया का यूज करना है बॉल को डिफेंडर से बीट करने के लिए। ब्राजीलियन फुटबॉलर तो अपने ट्रिकी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। जब आप बॉल लेके आगे बढ़ रहे हो एंड डिफेंडर आपको स्लाइड टैकल दे, इस ट्रिकी स्किल का यूज करो। आपको अपने फुट से बॉल को इस तरीके से फ्लिक करना है, बट आपको सही टाइमिंग पे परफॉर्म करना है, तब आप जाके डिफेंडर को बीट कर पाओगे। The third one is for the big defenders. But हम लोग विनीसियस जूनियर्स के स्किल सीख रहे हैं, तो डिफेंडर्स की क्या ही औकात। So, जब आप बॉल लेके आगे बढ़ रहे हो एंड डिफेंडर्स आपको ब्लॉक कर रखे हो इस तरीके से, आप बॉल लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इस तरीके से बॉल को आपको थोड़ा बहुत ड्रैग करना आगे की तरफ, एंड देन आपको अपने फुट का इनसाइड एरिया का यूज करना है बॉल को इस तरीके से हिट करने, एंड डिफेंडर बहुत ईजिली बीट हो जाएगा। फोर्थ स्किल ऑफ विनीसियस जूनियर, जब डिफेंडर आपको अगेन पीछे से ब्लॉक कर रखा हो और आपके पास स्पेस हो राइट साइड और लेफ्ट साइड कहीं भी, तो आप इस तरीके से स्पेस का यूज कर सकते हो। जब बॉल आपको किसी ने पास किया, आप अपने फुट का इनसाइड एरिया का यूज कर सकते हो जस्ट बॉल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कुछ इस तरीके से, जिससे डिफेंडर को समझ नहीं आएगा कि आपका बॉल का डायरेक्शन किस साइड होने वाला है और आप इजीली बीट कर पाओगे। एंड नाउ द फिफ्थ स्किल्स ऑफ विनीसियस जूनियर। इस स्किल में आपको क्या करना है, जब बॉल आप लेके आगे बढ़ रहे हो या डिफेंडर आपको पीछे से ब्लॉक कर रहा है, आपको अपने फुट का इनसाइड एरिया का यूज़ करना है, एंड देन इमिडिएटली आपको दूसरे फुट का भी इनसाइड एरिया का यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। डिफेंडर को समझ नहीं आएगा कि आपका बॉल का मूवमेंट किस साइड होने वाला है, एंड ही विल कन्फ्यूज, और इस तरीके से आप डिफेंडर को बहुत ईजिली बीट कर पाओगे। आप नीचे कमेंट करना कि आप कौन सा यूज करते हो और आपको कौन सा इस वीडियो में यूजफुल लगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।